हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीमन। शिक्षक भर्ती पर रोक से कोर्ट का इनकार। तो इस लाइन को पढ़कर ही जो है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जो शिक्षक भर्ती पर जो स्टे लगाने के लिए स्टूडेंट की डिमांड हो रही थी, हाई कोर्ट तक जो है वो गए थे। बिहार के स्टूडेंट चाहते हैं कि अदर स्टेट के बच्चों को जो है वो मौका ना दिया जाए, केवल हमें मौका मिले। तो यहाँ पर कोर्ट की तरफ से बिल्कुल ये चीज़ साफ हो गई है, उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया है कि अब जो है किसी भी तरीके की शिक्षक भर्ती पर रोक नहीं लगाई जाएगी। 1,70,000 पदों पर जो वैकेंसी निकली है, जहां 12 जुलाई लास्ट डेट है, तो फॉर्म जो है वो सभी भरें। अदर स्टेट के बच्चों को जो है ये बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जहां पर वैकेंसी जो है वो इतनी अधिक हैं, आपको अदर और किसी स्टेट में आपको देखने को नहीं मिलेगी, जहां पर बिहार लोक सेवा आयोग ने इतनी अधिक वैकेंसी टीचर्स की निकाली है। और आपको पता होना चाहिए कि अभी तक जो है वो 70,000 जो बच्चे हैं, इन्होंने आवेदन कर भी दिया है। ठीक है, 70,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है, 12 जुलाई लास्ट डेट है। तो बिल्कुल कोर्ट आगे जो है वो क्या होगा, इसका जो है वेट ना करें, क्योंकि 12 जुलाई जो है निकल जाएगी और आप लोग फॉर्म से वंचित रह जाएंगे। यहाँ पर 1,70,461 जो है वो नियुक्तियाँ होनी है। अदर स्टेट वालों को जो है मौका यहाँ पर मिल रहा है। जो भी नियम मैंने आप लोगों को पहले बताए थे बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से, कि वैकेंसी में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आप किसका जो है वो फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सरकार को नई नियमावली बनाने का अधिकार है। ये जो है वो महाधिवक्ता ने कह दिया है, जो नई नियमावली बनाई है। यहाँ पर पहले मौका नहीं दिया गया था, डोमिसाइल जो है वो बिहार का होना जरूरी था, तो अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म ही नहीं भर पाते थे, लेकिन अब जो है ये हटा दिया है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही और शिक्षा विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट वी गिरी ने कोर्ट में बताया कि विभाग और सरकार को योग्य शिक्षक की बहाली के लिए नई नियमावली बनाने का अधिकार है। यानी योग्य शिक्षक चाहिए, उनको ऐसा लग रहा है कि बिहार में जो है सीटें जो है वो खाली रह जाती हैं, तो अदर स्टेट के बच्चों को भी मौका दें, जिससे कि योग्य शिक्षक जो है वो यहाँ पर आ सकें। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बहाली प्रक्रिया पर जो है वो रोक लगाने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। ठीक है, और अब अंतिम जो सुनवाई है वो 22 अगस्त है। 22 अगस्त है, तो ये नहीं समझना है कि अब जो है दोबारा से जो है वो कोर्ट में जाएगी ये चीज आप जो है वो बिल्कुल दिमाग में बिठा लें। 12 जुलाई लास्ट डेट है और अब जो है वो आप फॉर्म भर दें, लेकिन एग्जाम जो होना था 24, 25, 26, 27 अगस्त को, तो इसमें जो है वो डिले हो जाएगा। ठीक है, ये आगे पोस्टपोन जरूर होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो है आवेदन की जो है वो डेट भी निकल जाए और आप सोचते ही रह जाएं कि पता नहीं अभी जो है वो एक और नियम जो है आएगा, हाई कोर्ट की तरफ से और फैसला आएगा, तब हम फॉर्म भर लेंगे। अब जो है वो आप फॉर्म भर लें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि सेकेंडरी स्कूल जो है उसमें लगभग 32,916 पद हैं सेकेंडरी स्कूल में। ठीक है, हायर सेकेंडरी की अगर मैं बात बताऊं तो 57,602 पदों पर जो है यहाँ पर वैकेंसी हो रही है। लगभग 70,000 से भी अधिक बच्चों ने आवेदन तो कर भी दिया है। प्राइमरी स्कूल की अगर बात करो तो यहाँ पर केवल प्राइमरी स्कूल में 79,943 जो है वो टीचर्स के जो है वो पदों पर भर्ती होनी है, और अदर स्टेट वालों को जो है वो मौका यहाँ पर मिल रहा है। बिल्कुल सीटेट आपने पास कर रखा है, बीएड आपने कर रखा है, डीएलएड आपने कर रखा है, आप यहाँ पर जो है वो बिल्कुल मौका ना गंवाएं, ये जो सुनहरा अवसर है इसको ना गंवाएं। इतनी अधिक वैकेंसी आपको अदर स्टेट में अभी तक तो सुनने को और देखने को नहीं मिली है कि टीचर्स की इतनी भारी संख्या में जो है वैकेंसी आई है। ठीक है, तो यहाँ पर आवेदन की जो अंतिम डेट है, आप ध्यान रखना, 12 जुलाई है, और 12 जुलाई जो है वो आने वाली है, मौका यहाँ से निकल जाएगा, और लास्ट डेट का जो है वो वेट ना करें। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है कि आप जो है फॉर्म भरें कि ना भरें, सारी चीज़ें जो है जो लेटेस्ट अपडेट होती है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ताकि किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर देखिए, भर्ती 1,70,461 पदों पर होनी है। शिक्षक भर्ती पर रोक से जो है वो कोर्ट का इनकार हो गया है। बिहार के बच्चे तो भर ही रहे हैं पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी पर, और अदर स्टेट के बच्चे जो हैं वो केवल और केवल पीआरटी का भरेंगे। फॉर्म जब आप भरेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आएंगे, आप केवल पीआरटी का ही भरेंगे, क्योंकि अभी तक इस पर कोई जो है न्यूज नहीं आई है कि अदर स्टेट के बच्चों को जो है वो मौका पीजीटी और टीजीटी में दिया जाए। इस पर अभी कोई भी बात नहीं हुई है, इसको आपको ध्यान रखना है, दिमाग में बस यही बिठाना है कि आप पीआरटी का ही फॉर्म भर रहे हैं अदर स्टेट के। बिहार के अगर जो स्टूडेंट हैं वो तीनों ही फॉर्म भर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे जो भी वीडियो आएगा मेरा आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल सके। थैंक यू।